एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेली फॉर मैं हूँ श्वेता। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वेल आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ट्राई कलर पास्ता। पास्ता तो हम सभी लोग बनाते हैं, पर जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई कलर में बदल दूँ। तो थोड़े से इटालियन हर्ब्स होंगे, थोड़े से इंडियन हर्ब्स होंगे, दोनों को मिक्स करके हम आज बनाएंगे ट्राई कलर पास्ता, जो कि है क्रीमी, टैंगी और स्पाइसी पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई कलर पास्ता बनाने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत है। रेड पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर, ये कच्चे टमाटर है और इनमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। 2 कच्चे टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और उसकी प्यूरी बना ली है। और स्पाइसेस में मैंने लिया है यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स और नमक। व्हाइट पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून मैदा, 3/4 कप दूध और स्पाइसेस में मैंने लिया है मिक्स्ड हर्ब्स, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। और साथ ही साथ मैंने लिया है मोजरेला चीज एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। ग्रीन पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कप पालक की प्यूरी। पालक को पहले मैंने ब्लांच कर लिया है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली भी ऐड कर लिया था और उसकी प्यूरी बना ली है। स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक और मिक्स्ड हर्ब्स। ये 3 टेबल स्पून बटर है और ये है पास्ता 2 कप। मैंने यहाँ पे फूजीली टाइप का पास्ता यूज किया है, आप कोई भी पास्ता यूज कर सकते हो। हमें पहला पास्ता बॉईल करना है और उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पानी बॉईल करने रखा था, तो उसमें मैं डालूंगी ये पास्ता, 1 टीस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक। और जब तक ये बॉईल होता है हम तीनों सॉसेस बनाकर रेडी कर लेते हैं। पहले हम बनाते हैं व्हाइट पास्ता और उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉनस्टिक कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बटर। बटर को जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर मैं डालूंगी मैदा। मैदा को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाना है, रोस्ट करना है और उसके बाद मैं डालूंगी उसमें दूध। दूध को बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाना है। यहाँ पर हम एक बार पास्ता को भी देख लेते हैं, वो नीचे से चिपकना है इसलिए बीच बीच में कड़ची हिलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट में ये दूध ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं स्पाइसेस। और अच्छे से मिला लेंगे और ये बन गया हमारा व्हाइट पास्ता रेडी। अब हम बढ़ते हैं रेड पास्ता की तरफ। रेड पास्ता बनाने के लिए भी हमें एक वही नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो की प्यूरी और इस टोमेटो की प्यूरी को हम ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि इसका पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो चुका है। अगर आप चाहो तो थोड़ा ग्रेवी स्टाइल में बनाना हो तो आप और थोड़ा सा पानी ऐड करके पास्ता बना सकते हो। मुझे ड्राई पसंद है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब मैं इसमें डालूंगी सारे स्पाइसेस और उसके साथ ही मैं डालूंगी टोमेटो केचप। ये बन गया हमारा रेड सॉस। अब हम बनाएंगे ग्रीन पास्ता। ग्रीन पास्ता बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर गरम कर लिया है और उसके अंदर मैं डालती हूँ पालक की प्यूरी। पालक की प्यूरी को भी इसी तरह बिल्कुल ढक्कन लगा के हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं एंड पालक की पानी भी बिल्कुल इवेपोरेट हो चुकी है। उसमें अंदर स्पाइसेस ऐड कीजिए और ये बन गया हमारा ग्रीन पास्ता रेडी। यहाँ पे पास्ता भी हमारा कुक हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो ये परफेक्टली कुक्ड है। और अब हम सॉसेस एंड पास्ता दोनों को मिक्स करते जाएंगे और हमारी पास्ता ट्राई कलर पास्ता बनकर तैयार हो जाएगी। ये रहा ग्रीन पास्ता। ये है व्हाइट पास्ता। अब उसके अंदर थोड़ा सा चीज ऐड करेंगे क्रीमी टेक्सचर के लिए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं।
अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब आप स्किप कर सकते हो। एंड आप इन सॉसेस को फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर में आप 1 से 2 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। और जब भी आपका मन करे जस्ट आप सॉस लीजिए, कढ़ाई में गरम कीजिए एंड उसको बॉइल्ड पास्ता लेकर उसको मिक्स करके गरम करके खा लीजिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब बे लीफ। बाय बाय।